Welcome back to Amar Khan Biology. Today the topic for discussion is plant hormone. आज के इस टॉपिक में हम साइटोकाइनिन स्टडी करेंगे. साइटोकाइनिन इज अ प्लांट हार्मोन. अब साइटोकाइनिन को स्टडी करने के लिए हमने यहाँ पे एक प्लांट बनाना है. दिस इज अ प्लांट. और इसके ब्रांच है, ठीक है, इसके ब्रांच. अच्छा जी, यहां पे लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि एक फ्रूट है और ये फ्रूट के अंदर सीड है. दिस इज सीड इन फ्रूट, ठीक है. और ये क्या है, ये रूट्स हैं और ये रूट के टिप्स हैं, ठीक है, रूट के टिप्स हैं. अब साइटोकाइनिन को लॉन्ग क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व करेंगे. हम लिख सकते हैं सबसे पहले साइटोकाइनिन की सिंथेसिस. साइटोकाइनिन कहां सिंथेसाइज होते हैं, कहां बनते हैं, सिंथेसिस. साइटोकाइनिन कहां बनेंगे, आप सिंथेसिस की हेडिंग देंगे. और साइटोकाइनिन कहां बनते हैं, नंबर वन रूट में बनेंगे, रूट के टिप्स में बनेंगे. नंबर वन, इट इज सिंथेसाइज्ड इन रूट टिप्स. रूट टिप्स में सिंथेसाइज होंगे. नंबर टू, फ्रूट के अंदर सिंथेसाइज होंगे, फ्रूट में सिंथेसाइज होंगे. नंबर टू, साइटोकाइनिन इज सिंथेसाइज्ड इन फ्रूट, फ्रूट्स में बनेंगे. और फ्रूट के अंदर जो बीज है, जो सीड है, उसके अंदर भी बनते हैं. सो नंबर थ्री, साइटोकाइनिन इज सिंथेसाइज्ड इन सीड्स. ये सीड्स के अंदर भी सिंथेसाइज होते हैं. तो ये तीन जगह है जहां पर साइटोकाइनिन सिंथेसाइज होगा. इन तीन जगहों में साइटोकाइनिन सिंथेसिस करेगा. अच्छा, अब यहां पे साइटोकाइनिन तो बना, यहां पे बना रूट के टिप्स में बना या फ्रूट में बना या सीड में बना. अब ये क्या करेगा, जब यहां पे जाइलम होगा, जाइलम टिश्यू, जाइलम टिश्यू इसको कंडक्ट करेगा. ये जाइलम टिश्यू है, दिस इज जाइलम टिश्यू. तो अगली हेडिंग आप क्या दे सकते, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ साइटोकाइनिन. तो ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, आप कहेंगे साइटोकाइनिन इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू या वाई आर जाइलम टिश्यू. किसके थ्रू, थ्रू जाइलम टिश्यू. ये जाइलम टिश्यू के अंदर क्या होगा, इसकी सिंथेसिस होगा, इसकी ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, इसका ट्रांसपोर्ट होगा. अच्छा, अब साइटोकाइनिन का फंक्शन क्या है, हम इसके फंक्शन पढ़ते हैं. साइटोकाइनिन को पढ़ने से पहले यहां पे हमें पता होना चाहिए कि प्लांट के जो यहां पे शूट से जो ब्रांच है, यहां पे ऑक्सिलरी बर्ड्स होते हैं. क्या होते हैं, दीज आर ऑक्सिलरी बर्ड्स. ऑक्सिलरी बर्ड्स. अब ऑक्सिलरी बर्ड्स क्या होते हैं, इनसे नए ब्रांच बनते हैं. ओरिजिन ऑफ न्यू ब्रांचेस टेक प्लेस हियर. यहां से न्यू ब्रांचेस बनना शुरू करते हैं. यहां से एक नया ब्रांच बनेगा, वहां से अगला नया ब्रांच बनेगा. इन जगह से नए नए ब्रांच बनना शुरू होते हैं. अब साइटोकाइनिन करता क्या है, साइटोकाइनिन इन ऑक्सिलरी बर्ड्स को एक्टिवेट करता है. साइटोकाइनिन इन ऑक्सिलरी बर्ड्स को एक्टिवेट करेगा. तो फंक्शन में क्या लिखेंगे, फंक्शन में जी साइटोकाइनिन एक्टिवेट्स ऑक्सिलरी बर्ड्स. एक्टिवेट ऑक्सिलरी, ए बी में लिख रहा हूं, ऑक्सिलरी बर्ड्स, इन ऑक्सिलरी बर्ड्स को एक्टिवेट करेगा. अच्छा, जब ऑक्सिलरी बर्ड एक्टिवेट होंगे तो ब्रांच बनना शुरू हो जाएगा. हम इस तरह भी कह सकते हैं कि साइटोकाइनिन हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ ब्रांच, ठीक है, या प्रोडक्शन ऑफ ब्रांच. इस तरह ब्रांच की सिंथेसिस या ब्रांच का ओरिजिन, ठीक है, ब्रांच को बनाएगा. तो ब्रांच हेल्प्स इन, ठीक है, ब्रांच फॉर्मेशन या ब्रांचेस फॉर्मेशन. इसका नेक्स्ट फंक्शन है किस चीज का, साइटोकाइनिन का, ये नेक्स्ट फंक्शन है. तो साइटोकाइनिन क्या होते हैं, ये बनते हैं यहां पे, लेकिन ये ऊपर जाइलम के थ्रू ट्रेवल करके ये जाते इन वाले टिश्यूज को, मतलब ऑक्सिलरी बर्ड्स को
एक्टिवेट करते हैं, जब ये एक्टिवेट करेगा तो इससे नए नए ब्रांचेस बनना शुरू हो जाएंगे। तो प्लांट में अगर ब्रांच बनेगा, प्लांट में अगर ब्रांच बनेगा सो इट इज विद द हेल्प ऑफ साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन के थ्रू ब्रांच बनना शुरू होते हैं। अच्छा, हम इसका फंक्शन मजीद पढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, इस प्लांट में से पेरेन्काइमा सेल लेते हैं, पेरेन्काइमा टिश्यू लेते हैं, ठीक। हम क्या करेंगे, किसी भी प्लांट में से हम पेरेन्काइमा टिश्यू लेंगे। और अच्छा, मैं यहाँ पे एक पेट्री डिश बनाता हूँ, दिस इज पेट्री डिश, ये पेट्री डिश है, पेट्री डिश। अच्छा, मैं इस पेट्री डिश में क्या करता हूँ, इसमें न्यूट्रिएंट्स डालता हूँ प्लांट के लिए, न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट। फिर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं पेरेन्काइमा सेल सो करता हूँ, ये पेरेन्काइमा सेल, ये ब्लू में बना हूँ पेरेन्काइमा, ठीक, ये वो पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा टिश्यू। मैंने पेरेन्काइमा टिश्यू को इसके अंदर सो कर दिया, SOW, सो करना, ठीक। या फिर मैंने इसके अंदर सो किया, फिर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर, इसके ऊपर मैं साइटोकाइनिन डाल दूंगा। अब जब मैं इस पेरेन्काइमा टिश्यू को साइटोकाइनिन प्रोवाइड करूंगा, साइटोकाइनिन, तो साइटोकाइनिन क्या करेगा, इस सेल को इनलार्ज कर देगा, क्या करेगा, इनलार्ज करेगा। सो नेक्स्ट फंक्शन क्या करेगा, हम फंक्शन में इस तरह भी लिख सकते हैं, फंक्शन कि सेल इनलार्जमेंट, सेल इनलार्जमेंट। अकेला अगर मैं क्या करूंगा, इस पेरेन्काइमा टिश्यू पे मैं सिर्फ साइटोकाइनिन डालूंगा, सिर्फ साइटोकाइनिन, तो सेल इनलार्ज होगा, सेल बड़ा होगा, लेकिन सेल डिवाइड नहीं होगा, सेल डिविजन नहीं होगी, सिर्फ सेल इनलार्जमेंट होगी। फिर मैं क्या करूंगा, इसके बाद लेट सपोज मैं पेट्री डिश लेता हूं। अब इस पेट्री डिश में मैंने न्यूट्रिएंट डाला प्लांट्स के लिए, और इसके अंदर मैंने पेरेन्काइमा टिश्यू या फिर इसके अंदर रखा, ये पेरेन्काइमा टिश्यू है। अब क्या होगा, पेरेन्काइमा टिश्यू में मैं क्या करता हूं, यहां पे साइटोकाइनिन डालता हूं, ठीक है, ये हाई अमाउंट में, बड़े मिकदार में डालूंगा साइटोकाइनिन, और कम मिकदार में मैं ऑक्सीजन डालूंगा, बहुत कम मिकदार में मैं क्या करूंगा, ऑक्सीजन डालूंगा, ठीक है, लो क्वांटिटी। अब जब दोनों डालते हैं हम, जब हम दोनों डालते हैं, नाउ सेल बड़े भी होंगे और उसके बाद डिवीजन भी होगी। तो इसका मतलब है कि साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन दोनों इंपॉर्टेंट है सेल प्लांट के ग्रोथ के लिए, प्लांट को ग्रो भी करवाएगा, बड़ा भी करेगा, इलोंगेट भी करेगा, और सेल डिवीजन भी करवाएगा, ठीक है। तो अगर साइटोकाइनिन की मिकदार ज्यादा हुई और ऑक्सीजन की मिकदार कम हुई तो यहाँ पे क्या होगा, अब साइटोकाइनिन करता क्या है, जी हमने इससे पहले पढ़ा, वो नीचे बनेगा, रूट के टिप्स में बनेगा, लेकिन काम जाकर ऊपर करता है, ऊपर ऊपर वाली पोर्शन को बड़ा करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इस पेरेन्काइमा टिश्यू से शूट बनना शुरू हो जाएगा। तो अगर साइटोकाइनिन की मिकदार ज्यादा होगी हाई क्वांटिटी में तो शूट फॉर्मेशन करेगा, व्हेन साइटोकाइनिन इज इन हाई अमाउंट, ठीक है, सो शूट फॉर्मेशन करेगा, ये क्या करेगा, शूट फॉर्मेशन। लेकिन इसके बरक्स अगर मैं ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ाता हूं, अगर मैं क्या करता हूं, इफ आई इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड आई डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ साइटोकाइनिन, अगर मैं इसकी क्वांटिटी को डिक्रीज करता हूं और ऑक्सीजन की क्वांटिटी को इंक्रीज करता हूं, तब क्या होगा, प्रोसेस उल्टा हो जाएगा। शूट बनने के बजाय ये क्या करेगा, शूट बनने के बजाय लेट सपोज मैं यहां पे पेरेन्काइमा सेल बना रहा हूं, ठीक, टिश्यू बना रहा हूं, शूट बनने के बजाय इससे रूट बनना शुरू हो जाएगा। कब, जब मैं ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ाता हूं और साइटोकाइनिन की मिकदार को कम करता हूं, ठीक है। लेकिन अगर मैं सिर्फ साइटोकाइनिन डालूंगा तो इससे सेल तो बड़ी होंगे, इलोंगेट होंगे, लेकिन सेल डिविजन नहीं होगी। सो हमें पता चला कि साइटोकाइनिन एंड ऑक्सीजन बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर सेल, फॉर प्लांट ग्रोथ, ये दोनों इंपॉर्टेंट है फॉर प्लांट ग्रोथ, ये दोनों प्लांट ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। सो दिस वॉज द टॉपिक ऑफ साइटोकाइनिन। हमारे इस लेक्चर को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।